हे गाइस, क्या हाल है आप सबके? भाई अभी अभी मैं उठा हूँ सो के, और अब तैयारी कर रहा हूँ जिम जाने की। कपड़े चेंज कर लिए हैं, थोड़ा सा पानी पीना है एक गिलास, और निकलना है जिम के लिए। तो दिखाता हूँ आपको अपना जिम। तो भाई निकल पड़े हैं अपने जिम की तरफ, चल रहे हैं अपने जिम की तरफ। सुबह सुबह का टाइम, आप देख सकते हैं कि सफाइयाँ चल रही हैं, और हम लोग चल रहे हैं अपने जिम की तरफ। जाहिर सी बात है यार, अगर अपने आप को फिट रखना है तो जो कंफर्टेबल जोन होता है अपना, उसको छोड़ना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो जिसे अपनी सेहत से प्यार है और हेल्दी रहना चाहता है, तो उसको जिम करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए। तो भाई ऑलरेडी हम लोग आ गए हैं अपने जिम की तरफ, और आप देख सकते हैं हम मेरे जिम के आसपास का ये पार्क और एरिया कितना खूबसूरत है और प्यारा है। और सामने ही ये जो है व्हील है और बीच है, और ये मेरा जिम है, द जिम ग्रुप। और ऊपर जो ये आप यहाँ से लेकर ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ तक ये पूरा जिम है ऊपर। तो चलते हैं अपने जिम की तरफ। यहाँ पर ये है एंट्रेंस डोर, बस पुश करना है, सीधे अंदर जाना है। तो ये है अपना जिम। और इस जिम के अंदर भाई ये लिफ्ट भी है, हम लिफ्ट से भी आ सकते हैं। तो इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। और यहाँ इस तरह से ये डोर होता है, डोर है ये लॉक्ड। अब हमें करना क्या है कि जब हम फीस पे करते हैं तो हमको एक कोड मिलता है, तो हमें यहाँ पर अपना कोड दबाएंगे और जिम के अंदर एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने के बाद में यहाँ पर ये पूरा आप सेक्शन देख सकते हैं, कितने सारे ट्रेडमिल हैं, और ये ट्रेडमिल वहाँ तक हैं, आगे तक आप ये सब देख सकते हैं। और काफ़ी बड़ा जिम है, और यहाँ पर ये आप सैनिटाइज़ करने के लिए उन्होंने मशीन लगाई हुई है, ये सब सैनिटाइज़र रखा है, सैनिटाइज़ कर सकते हैं। इधर से अगर आपको कुछ लेना है आप वो ले सकते हैं, ड्रिंक पीने के लिए आराम कर सकते हैं। और भाई ये है हमारा चेंजिंग रूम, आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंजिंग रूम है यहाँ पर। और उधर आगे जाकर जो है पूरा आप जिम करने के बाद में नहा सकते हैं, यहाँ पे नहाने का पूरा इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं। ये सब बाथरूम में आप लोग यहाँ पे शावर ले सकते हैं, ठीक है ना। और इधर के पूरे लॉकर होते हैं, तो इसमें आप अपना कपड़े मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन आपको ये लॉक लाना पड़ता है, और इसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा सामान नहीं, अगर आप मोबाइल अपने साथ रखना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर भी टांग सकते हैं। तो ये भी पूरा इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं कितने सारा लॉकर हैं यहाँ पर। तो भाई मैं भी लॉकर में नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास जैकेट है और मैं मोबाइल अपना पॉकेट में रखता हूँ, तो मैं भी अपनी जैकेट यहीं टांग देता हूँ। और यहाँ पे वॉशरूम है, आप अगर आपको टॉयलेट जाना है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से पूरा इंतज़ाम होता है, तो इस तरह के ये जिम होते हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ आने के बाद में ये देखें आप, शुरू होता है थाइस मारने का सेक्शन, डेडलिफ्ट मारने का सेक्शन। तो इधर ये पूरी चेस्ट मारने के लिए जो है बेंच पड़ी हुई हैं, और थाई मारने के लिए भी ऐसा नहीं कि अगर कोई एक आर्म मार रहा है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, और ये भी है, और ये भी है, और उधर ये पूरा डंबल का सेक्शन है, आप देख सकते हैं ये पूरे डंबल रखे हैं इधर। तो डंबल ऐसे हैं कि 5 का है, 7.5 का है, 10 का है, 10.5 का है, तो
ढाई ढाई किलो के जो है ना इन्होंने डिफरेंस में डंबल रखे हुए हैं, और मशीनें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि मशीनें नहीं हैं, आप मशीनें देख सकते हैं कितनी हैं। और मैं जब से यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने तकरीबन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें यूज़ करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाया। और सच बोलूँ तो बहुत सी मशीन यहाँ पर ऐसी हैं कि मुझे पता भी नहीं कि कौन सी मशीन किस तरह से यूज़ होगी। तो आज मैं ट्राई करूँगा डेड लिफ्ट मारने की, तो मैं शुरू करता हूँ अपना वर्कआउट और आपको दिखाऊँगा दूसरा पोर्शन भी। तो भाई एक सेक्शन ये है यहाँ पर, यहाँ पे भी लोग जो है ना वार्म अप करते हैं, कार्डियो करते हैं। ये इन्होंने बहुत काफ़ी बड़ा सेक्शन दे रखा है, और इधर सब कुछ है, मशीनें हैं, डंबल्स हैं, और कार्डियो का ऑलमोस्ट सारा सामान है इधर रखा हुआ। तो जो वार्म अप करना चाहते हैं, एरोबिक कार्डियो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेक्शन है। तो एक सेक्शन यहाँ पर ये है कार्डियो करने का, और ऑलरेडी वहाँ पर बेंच है, चेस्ट मार सकते हैं और थाइज भी मार सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर तीन सेक्शन हैं, और ये है हमारी लाइटनिंग इस जिम के अंदर, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जिम हो चुका है डन, अब चलते हैं अपने घर। भाई चेस्ट मारी, ज़बरदस्त मारी, और यहाँ का एक बहुत अच्छा हिसाब है कि मैंने देखा है कि 60 साल के 80 साल के लोग भी यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं भाई। भाई यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि जब मैं जिम आता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी 80 साल एज है, 60 साल है और 70 साल है। भाई एज बस एक नंबर है, लेकिन लोग आते हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करती हैं। लड़कियाँ आती हैं, औरतें आती हैं, काफ़ी एज के आते हैं। तो यार जिम तो बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक ज़िंदगी का वो हिस्सा है। इसको इस तरह से आप ले सकते हैं जैसे कि आप खाना खाते हैं 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, उसी तरह से 1 टाइम एक्सरसाइज का भी होना चाहिए। और आज के टाइम पे जिस आप देख ही सकते हैं कि हर चीज़ में मिलावट है, खाना ठीक ठाक नहीं मिलता हमें खाने के लिए, तो भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सपोर्ट करता है आपको हेल्दी रहने के लिए, और ऑफ कोर्स डाइट तो होनी ही चाहिए, डाइट आपको सोच समझ के लेनी चाहिए। और जिम बहुत अच्छा है, ये जिम जो है ये तकरीबन 24 आवर्स जिम है, तो मैं कभी भी इसके अंदर जाकर एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा कि भाई आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरे को बुखार है, मेरी आँख लेट खुली, मैंने रात में मैच देखा। तो मैं कभी भी जाकर जब मुझे टाइम मिले तो मैं जिम कर सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ अपनी। और तो इन्जॉय करते हैं इस जिम को, तो आप भी जो है जिम करें, फिट रहें, हेल्दी रहें।